गुजरो। शाबाश शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है और यकीन जानो, यकीन जानो, जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनार्की ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारी लीडरान को जो जेल में रखा है, खवातीन को जो जेल में रखा है, किस किस जो उसके खिलाफ केस है उस पर कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारे झूठी मनगढ़ंत केस लगाए। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूं, पूरी कौम से। जिम्मे को हम निकल रहे हैं। मीडिया वालों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपके उसके ऊपर हुए, जबान बंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हुए, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे में, जुम्मे को आप निकलेंगे। मैं वो कला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आजादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है। जो कैदी है, जो हमारे लीडर्स है, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए। मैं मजदूरों से, मैं तुलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो अगर आपने सोचना है कि इस वक्त तरीके साहब मुश्किल में, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम उन पोलिटिकल पार्टीज को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे के दिन की जो हमारी स्ट्राइक है, जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आपकी, आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे।